क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, सो दिस इज द फिगर। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। सो स्टेटमेंट में भी यही चीज बोली गई है कि सर्कमस्क्राइबिंग। ओके, अब देखो हमने तो बना दिया, अब हमें प्रूव क्या करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। ओके, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं, हमें ये बताना है। ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सो लेट अस ज्वाइन ओपी एंड ओक्यू, ओआर एंड ओएस, है ना। सो वी नो दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा कि इक्वल एंगल ये हो जाएंगे, दिस एंड दिस, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया एंड ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं बाय द लॉ। ओके, सो एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल सेकेंड और एंगल थर्ड इक्वल टू एंगल फोर, एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट। ओके, गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल एंगल्स हैं। ये इक्वल एंगल्स क्यों हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये टेंजेंट्स होते हैं तो टेंजेंट्स आर इक्वल। ओके, और ये हमारे रेडियस होते हैं तो रेडियस भी इक्वल, और ये 90 डिग्री फॉर्म करते हैं तो साइड एंगल साइड से ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, कॉन्गुरेंट हो गया। अब कॉन्गुरेंट होने की वजह से इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो इट मीन्स कि एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकेंड आर इक्वल, और सिमिलरली ऐसे ही हम हर एक फिगर में करेंगे। गॉट इट। अब चलिए अब हम देखते हैं एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन, ओके, एंड प्लस एंगल एट इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो इसमें अभी हमारे पेयर बन रहे हैं वन इक्वल टू टू, वन इक्वल टू टू, थ्री इक्वल टू फोर एंड फाइव इक्वल टू सिक्स एंड सेवन इक्वल टू एट, ठीक है। सो ये सब इक्वल है, सो यहाँ पे हम टू की जगह पे भी वन रख सकते हैं, सो टू हमारा कॉमन हो जाएगा हर एक में, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा एंगल फर्स्ट, एंगल थर्ड, एंगल फिफ्थ, एंगल सेवन, ओके, इक्वल टू 360। देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया, वन इक्वल टू टू, थ्री इक्वल टू फोर, फाइव इक्वल टू सिक्स, सेवन इक्वल टू एट। सो एट रिप्लेस कर लेगा सेवन को, सिक्स रिप्लेस फाइव को एंड फोर रिप्लेस थ्री को, तो ये हमारा एक पेयर मिल जाएगा। अब देखो टू से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल आउट, सो दिस इज द 180। सो एंगल फर्स्ट, एंगल थर्ड, एंगल फिफ्थ, एंगल सेवन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें अगर हम, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हम दूसरा भी पेयर एक निकाल सकते हैं। जैसे हमने टू को वन से रिप्लेस किया, वैसे ही हम चाहें तो टू की जगह पे हम वन लिख सकते हैं। जैसे एंगल, इसमें वन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम टू ही लिखते हैं, सो एंगल टू, और इसमें हमने छोड़ दिया एंगल फोर, एंगल सिक्स, एंगल एट इक्वल टू 360। सिमिलरली बस हमने क्या किया है, दोनों जगह चीज़ें सेम हो रही हैं, बस सेकेंड की जगह यहाँ पर मैंने फर्स्ट पुट करके सॉल्व किया है और यहाँ पे फर्स्ट की जगह मैं सेकेंड। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल एट इक्वल टू, यहाँ भी 180 आएगा कटकर, सो दिस इज द 180 डिग्री। ओके, अब आप देखिए, अब आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सारे एंगल्स हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेयर बना सकते हैं। ओके, सो पेयर हम किस किस का बनाएंगे, सो इसमें हम ले लेते हैं पेयर
वन की जगह पे अगर हम टू रखना चाहें तो हम रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे अगर हम सिक्स रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, है ना। सो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिल रहा है पेयर, सो हमें मिल जाएगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री एंड प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन, ओके, टू एंड थ्री एंड सिक्स एंड सेवन इक्वल टू 180, ठीक है, टू एंड थ्री एंड सिक्स एंड सेवन। अब देखो टू एंड थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, टू और थ्री यहीं पे है, तो प्लस टू एंड थ्री को हम लिख सकते हैं ए ओ बी, सो दिस इज द एंगल ए ओ बी प्लस सिक्स और सेवन ये हो गया, तो ये बन गया आपका सी ओ डी, सो एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180, गॉट इट, ये हमें मिल गया। फिर इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में हम आ जाएंगे और यहां पे टू की जगह पे हम क्या रख लेंगे, एंगल फोर है हमारे पास, सो फोर एंड हमें क्या लाना है फाइव, ओके, सो फोर फाइव ये हमें चाहिए, फोर फाइव और वन और एट, तो टू की जगह पे हम वन लिख लेंगे, सो इसको लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ओके, गॉट इट। अब टू की जगह पे हम वन लिख सकते हैं और यहां पे क्या है फोर, तो हम इसको लेते हैं, इसके साथ हम पेयर बनाते हैं वन का और एट का, सो वन और एट ये मिल गए। अब देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, सिक्स इक्वल टू किसके है फाइव के, तो हम सिक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फाइव, सिक्स की जगह पे हम क्या लिख लेंगे फाइव, है ना, तो फोर प्लस फाइव एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इक्वल टू 180, ओके, गॉट इट। अब देखो वन और एट, वन और एट हमारा क्या मिल जाएगा ए ओ डी, ठीक है, सो ये हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस फोर और फाइव ये क्या मिल जाएगा, सो बी ओ सी, सो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो जो हमें लाना था वो प्रूव हो चुका है।